तो देखो यार, हर बार की तरह इस बार भी माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी स्टेशन। और यहीं से जम्मू तवी स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर प्राइवेट बस स्टॉप है और यहीं से बस करेंगे और यही बस कटरा बस स्टॉप पर पहुंचा देगी, जिसका किराया होता है नॉन एसी का 120 रुपया पड़ता है और अगर आप एसी में जा रहे हैं तो आपको मात्र 150 रुपये का देना पड़ेगा। टोटल दूरी लगभग 2 घंटे की पड़ जाती है। आप ट्रेन से भी जा रहे हैं या बस से भी जा रहे हैं तो लगभग आपको एवरेज डिस्टेंस, मतलब जो समय लगने वाला है, बराबर ही समय लगने वाला है। और फिर कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले आप रहने के लिए व्यवस्था बना लीजिए ताकि फ्रेश हो लें, नहा धो लें और फिर शाम को जाइए, पर्ची कटवा लीजिए और इच्छा हो तो शाम को ही अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। जैसे ही हम लोगों को रहने की व्यवस्था बन जाती है तो सबसे पहले ख्याल आता है चलो सिम लिया जाए, तो हम लोग निकल पड़ते हैं चौराहे की ओर और अपनी सिम की व्यवस्था बनाते हैं। और सिम तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से नेटवर्क कट हो जाता है, कोई किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं आते हैं, आपको यहाँ की सिम लेना ही पड़ेगा। जो आपके पास अभी चला रहे हैं प्रीपेड सिम, वो पठानकोट और जम्मू तवी के बीच में एक स्टेशन पड़ता है कठुआ, वहाँ से आपका नेटवर्क गायब हो जाएगा। और सिम लेने के बाद हम लोग शाम का खाना खा के कमरे पहुँच जाते हैं और मस्त पूरी रात सोते हैं। सुबह उठते ही अपना फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं और फिर निकल चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। बोलो जय माता दी। अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे निचले पॉइंट पे जहाँ पर चेकिंग होती है और यहीं से हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। तो यहाँ से जो पहाड़ों का व्यू देखने को मिल रहा है वो आपको मैं बयां नहीं कर सकता। फिर हम लोग लग जाते हैं लाइन में और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग कब चेकिंग होगी। और यहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो समय लगा बहुत ही कम लगा, बहुत जल्दी हम लोगों ने एंट्री कर लिया। जैसे हम लोग एंट्री करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दूर आगे पर पड़ती है बाणगंगा, लेकिन आश्चर्य यहाँ पर तो बाणगंगा में पानी था ही नहीं। लोग जो वहाँ पर नहाने की व्यवस्था है टोटियों से नहा रहे थे। और बाणगंगा से थोड़ा आगे बढ़ने पर पड़ जाती है चरण उपाधिका मंदिर और वहाँ पर आराम से दर्शन किया। और दर्शन करने के चक्कर में वहाँ की वीडियो सही से बना नहीं पाया, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि समय बचाना है तो स्टेयर्स पे चलना ही पड़ेगा। तो हम लोग जैसे ही स्टेयर्स पे कदम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत से लोग स्टेयर्स पे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियों पे भीड़ हो रखी है। अभी हम लोग चल रहे हैं पुरानी वाले रास्ता से। इस रास्ते में आपको घोड़े भी मिलेंगे, पालकी भी मिलेंगी और जो बच्चों वाली ट्रॉलियाँ आती वो भी मिल जाएंगी, किराए पर लेना चाहते वो भी मिल जाएंगी। मैंने सोचा चढ़ाई में कुछ ट्विस्ट किया जाए तो मैं बाकी अपने फैमिली मेंबर्स को यही सिंपल रास्ते में चलने दिए और फिर हमने 526 सीढ़ियों का यू टर्न ले लिया। और भाई साहब विश्वास मानिए, जब हमारे फैमिली मेंबर्स वहां पर जब पहुंचे तो कम से कम पूरे हमने आधे घंटे बचा लिया था। और कटरा का नीचे का नज़ारा देख के आप अनुभव लगा ही सकते होंगे कि हम ऊपर कितना आ चुके हैं। और यहाँ पर जो बादल हाथ से छूने को मिलता है उसकी फीलिंग ही अलग होती है, लाजवाब होती है। तो दोस्तों हम लोग चंद कदम ही अर्धकुमारी के पीछे हैं, यानी कि हम लोग अर्धकुमारी पहुँचने ही वाले हैं बस थोड़ी देर में। तो फाइनली हम लोग अर्धकुमारी पहुंच गए हैं। बोलो जय माता दी और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो पूरी वॉच करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। यदि आपने शाम को चढ़ाई शुरू कर दिया था तो आप अर्धकुमारी आते आते विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कम्बल भी मिल जाएगा और बिछाने के लिए दरी भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये रहे प्यारे प्यारे बादल और सामने जो दिख रहा है वो अर्धकुमारी मंदिर है। अब यहाँ से शुरू हो गई बारिश, जब तक बारिश हो रही है मैं थोड़ा आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। यह वीडियो 1 जुलाई 2023 को शूट किया गया है। अगर आप भी चढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपको बिछाने और ओढ़ने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सामान लेकर जाना है, बाकी रास्ते में सब कुछ मिल ही जाता है, कम्बल भी मिल जाते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो उनको सूखने वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिस कारण से कम्बल में अजीबोगरीब स्मेल आती रहती है। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित और अच्छे स्थान है अर्धकुमारी और सांझी छत पर आप आसानी से स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत भयंकर बारिश होने लगी है वैष्णो देवी चढ़ाई में और अभी हम लोग सांझी छत नहीं पहुँचे हैं। और ये सामने का रास्ता देख लो, कोहरा कोहरा ही कोहरा हर जगह दिख रहा है यहाँ पर।
और ये देखे हर जगह कोहरा ही कोहरा दिख रहा है यहाँ पर बेटी। देखो वो पहाड़ गहरी खाई। जय माता दी दोस्तों, जैसा देख रहा आज हम सांझी छत पहुँचने वाले और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो गया है और हर तरह कोहरा ही कोहरा दिख रहा है यहाँ पर और बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है जिससे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। ये देखिए सब यहाँ कोहरा ही कोहरा यहाँ पर दिख रहा है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है। देखो यहाँ पर रास्ता की दो चॉइस हैं, एक नई रास्ता, एक पुरानी रास्ता है और एक तीसरी जो स्टेयर्स हैं सीढ़ियों के द्वारा आप लोग चढ़ सकते हैं। आप अपनी स्टेमिना एनर्जी के अनुसार अपनी रास्ता चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग हाथी माता निकल चुके हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर बचता है सांझी छत। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, नहीं सांझी छत से माता जी का भवन दिखने लगता है लेकिन यहाँ पर सब कोहरा कोहरा छाया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं आपको किस समय चढ़ना चाहिए, सुबह चढ़ना चाहिए या शाम को। देखो जो समय का वेरिएंट है सुबह और शाम वाला, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। किसी को सुबह जल्दी चढ़ाई करना पसंद है तो किसी को शाम को, तो ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी टाइम अपनी चढ़ाई यात्रा शुरू कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। और भवन में सैटरडे संडे को ज़्यादा भीड़ हो जाती है और यहाँ पर कमरे भी काफ़ी महंगे दामों अवेलेबल होते थे। ये देखिए यहाँ पर कैसी बारिश हो रही है और ये सामने का मौसम देख लीजिए कितना सब कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, सारा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है बट मौसम बहुत ठंडा हो गया। अद्भुत, यहाँ पर देखिए एकदम कितनी भयंकर वाप निकल रही है। अगर आप यहाँ तक सांझी छत आ गए और यहाँ का जो फ्री में प्रसाद मिलता है उसका आनंद ना लें तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि यहाँ का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन यहाँ के जो प्रसाद मिलने का टाइम हो 3:30 बजे है, मतलब 3:30 और ये है सांझी छत। और यहाँ से भवन का रास्ता मात्र 3 किलोमीटर बचता है और यहीं से अब चढ़ाई ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से थोड़ा हल्का सा स्लोप हो जाता है, नीचे जाना पड़ता है जिस कारण थकावट ख़त्म हो जाती है। तो चलते हैं अपनी यात्रा की ओर फिर से। दोस्तों माता जी के दर्शन करने से पहले आपको लॉकर्स में अपना सारा सामान जमा करा देना है, तभी आप दर्शन के लिए लाइन पर खड़े हो जाएं, नहीं तो आपको फिर से वापस भेज दिया जाएगा। और इस प्रकार हम लोगों के एक बार फिर से माता जी के अद्भुत दर्शन हो चुके हैं और हम लोग अब जल्दी हैं भैरवनाथ की ओर। दर्शन होने के बाद हम लोग कुछ विश्राम करने लगे और बैठे बैठे पता ही न चला कि रोपवे का जो टिकट है वो क्लोज हो चुका है और हम लोगों को फिर से 3 किलोमीटर पैदल ही चलना है भैरवनाथ के लिए। तो हम लोगों के सभी के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई होती है बहुत खड़ी होती है और जो नीचे चढ़ के आता है उसका शरीर पहले से थका हुआ होता है और ये खड़ी चढ़ाई सुन के उसके तो रोंगटे खड़े होना ही होना है। और फिर जैसे तैसे हम लोगों ने भैरवनाथ की चढ़ाई पूरी कर ली है और इस प्रकार हम लोग भैरवनाथ के दर्शन के लिए लाइन में भी लग जाते हैं और अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं। देखो यार, माता जी के दर्शन करने के बाद और भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद मन में ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कि हमने दुनिया के सारे काम निपटा दिए हों और बस यही लगता है अब बस सो जाएं कहीं भी पढ़कर। तो हम लोग जैसे तैसे करके सांझी छत आए और यहीं से मैंने कम्बल वगैरह लिए और अपनी रात्रि सांझी छत पे गुजार दिया और हम लोगों ने जो उतारने की यात्रा शुरू किया है वो सुबह शुरू कर दिया है। तो फाइनली हम लोग दर्शन करने के बाद नीचे उतर आया हूँ, मतलब कटरा पहुँच चुका हूँ। और हर बार की तरह ये यात्रा, ये दर्शन भी अद्भुत रहे, यादगार रहेंगे। बोलो जय माता दी। और हाँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये रहा कटरा स्टेशन।